कोरोना ने किसका किसका जीना हराम कर दिया है श्रावणी? मेरा तो कर दिया है, तेरा कर दिया है? तेरा सितेज आपका जीना हराम कर दिया कोरोना ने? सितेज खुश है घर बैठे तो मेरा तो कोरोना दिमाग ही खा गया है दिमाग खा गया अरे दिमाग तो दिमाग कैसे खा गया कोरोना? तरस करना मतलब बता रही हूँ आपको मेरा तो बहुत। और तुझे कैसा लगता है श्रुति? बेटे सभी बेटे बेटे बोर हो गए घर पे? अरे रे 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 सर मैं तो खुश हूँ, कचुंबर बनाना चाहती हूँ। अरे कचुंबर बन, लेकिन श्रीतेज बहुत खुश है, बोल रहा है कोरोना की वजह से बहुत खुश है। मैं बाहर भी जा सकता हूँ, घर पर बैठे कुछ भी हो सकता है। चलो स्कूल छूट गया, अब स्कूल में जाने की जरूरत ही नहीं होगी, घर पर ही बैठ कर मुझे आवाज स्कूल जाना क्या चलते हैं? स्कूल 4 घंटे तक चलते है ना, हम 12 बजे तब अरे बेटा एक एक बात करो, मुझे सुनाई नहीं देगा सभी बोलोगे तो। हाँ बोलो, हाँ श्रीतेज बात करो। हाँ बोलो, ये लिखना भी है क्या? नहीं हाँ बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखो क्लास खत्म होने के बाद। दिन भर क्या काम है आपको, वही बैठ के लिखने का? हाँ वो वैष्णव भी बोलो, क्या बोल रही थी? मैं क्या सर? वैष्णव, तू वैष्णव है क्या? नहीं सर, मेरे सिस्टर का नाम है। नहीं इधर दूसरी वैष्णव है अपने क्लास में। हाँ बोलो वैष्णव। हेलो, हाँ बोलो सर, लिख लिया सब। ओके ओके चलो अभी देखो। हेलो सर, हाँ बोलो। हाँ हाँ इसको अच्छे हैंड राइटिंग में लिखने का है, फिर उसके बाद नहीं तो ऐसे का ऐसा मत भेजो। अच्छे हैंड राइटिंग में लिखो, लर्न करो इसके डेफिनेशन, उसके बाद भेजने का ऐसे। हाँ बोलो। हाँ अभी देखो, अभी इसका टाइप से देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी नाउन के टाइप से देखो इधर। हेलो सर। हाँ बोलो। जब हम स्कूल में होते हैं तब घर की याद आती है, और जब स्कूल स्कूल बंद होता है तो स्कूल की याद आती है। हाँ उल्टा हो रहा है दिन, तब स्कूल के याद पूरी हो रही है, अब स्कूल की याद आ रही है। मतलब अभी तुम्हारे साथ उल्टा हो रहा है, पहले स्कूल की याद नहीं आती थी, अभी स्कूल की याद आ रही है ना? यस। अरे रे रे, अभी कैसे करने का, स्कूल चालू करने के? मान तो कह रही थी दिवाली को स्कूल शुरू होगा, दिवाली को मेरा बर्थडे है। नहीं स्कूल तो कल चालू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो कोरोना हमारे देश से जाना चाहिए ना, कोरोना हमारा शहर छोड़ के नहीं जा रहा, इसलिए हम नहीं स्कूल चालू कर सकते। दिवाली
देखेंगे अभी कब जाता है, हमारा गेस्ट आ गया है ना हमारे कंट्री में एक। वो गेस्ट जब चला जाएगा तब चालू हो जाएंगे हमारे स्कूल। सर बुक्स लेने कब आना है? कभी भी आ जाओ, कल आ जाओ। सर हाँ धोबी तेरे का, हाँ धोबी की तरह धोने का उसको। अरे फिर रोएगा ना बेचारा वो, और रोएगा गरीब को मार रहे हम में से किसी को भी बुक्स मिलेगा बताना तू। तो बुक लेने आ जाओ आप स्कूल में, कब आते बुक लेने बताओ। मैं कल आऊंगी। कल आ जाओ, परसों आ जाओ, कभी भी आ जाओ, लेकिन मुझे फोन लगा के आ जाओ। हाँ मुझे फोन लगा के आ जाओ, नहीं तो मैं नहीं रहूंगा स्कूल पे, मैं जाऊंगा बाहर कोरोना को मिलने को और तुम आ जाओगे बुक लेने को। सर मेरा बुक लेना अभी से नहीं है, बाद में लिया तो चलता है ना? हाँ चलता है चलता है, कोई बात नहीं, बाद में लिया तो चलेगा। नहीं हम यहाँ इस सूतगिर में फंस गए सर। फंस गए क्या? चलता है चलता है, कोई बात। तो उद्गीर को लेके आओ गंगा खेड़ में। आप डिलीवर कर देंगे क्या? हाँ वो तो दे देंगे उधर की उधर ही। हाँ पैसे दे दो उसको, सर पे उठा के लेके आओ उद्गीर को। तू श्रावणी एक बस्ते में बांधने का उसको। इतना नहीं बहुत बड़ा है। अरे एक एक ड्राइंग निकालने की नोटबुक पे पूरा उद्गीर उठा के लेने का जेब में डाल के हो जाते है उसको क्या है। हाँ अभी देखो हमारा दूसरा टाइप। हाँ बस बस होगा अभी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या रहे, हमारे फीलिंग्स जिसको हम टच नहीं कर सकते। ओके फॉर एग्जांपल आइडियाज, कंसेप्ट, इमोशंस एंड अदर थिंग्स यू कांट फिजिकली इंटरैक्ट विथ, मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं खुश हूँ या मैं नाराज हूँ या मुझे आज बहुत बहुत बहुत, बहुत खुश हूँ, तुम बता सकते हो कि मैं कितना खुश हूँ? कोई बता सकता है कि आज मैं 1 किलो खुश हूँ, आज मैं 2 किलो खुश हूँ, ऐसा बता सकते हैं क्या हम? बताओ मुझे, कोई बता सकता है क्या? 1 किलो तो नहीं बता सकते, हम खुशी इतना बता सकते हैं। हाँ हम बोलते हैं हम सिर्फ खुश है, मतलब जिस 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 फीलिंग जिस फीलिंग्स को हम बता नहीं सकते उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हमारे इमोशन, इमोशन मतलब हम कभी खुश रहते हैं कभी नाराज रहते हैं, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। हाँ इमोशन मतलब अगर हम नाराज हो गए तो हम क्या होते रहे, हाँ हम कभी कभी नाराज होते हैं, उसको हम दिखा सकते हैं कि मैं आज 200 ग्राम नाराज हूँ, मैं आज मम्मी से बात नहीं करूंगी, मैं आज 200 ग्राम नाराज हूँ, ऐसा होता है क्या? ये तो नहीं बता सकते। हाँ मतलब हाँ ये तो नहीं बता सकते। हाँ मतलब हेलो सर। हाँ उसको ही कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ बताओ बताओ बोलो। हम ना हाँ बोलो। आप हमें इंग्लिश के, हम जब इंग्लिश बोलते हैं ना यस हमारी ना हम इंग्लिश बोलते हैं फिर। हाँ हम डेली डेली इंग्लिश बोलेंगे, वर्ड्स बोलेंगे क्या? शुरू करते हैं फिर। हाँ कल से हम क्या करेंगे सभी? सर मुझे मैं थोड़ा थोड़ा यूट्यूब में देखे बोलने की कोशिश करेंगे। हाँ नहीं नहीं अभी कल से क्या करेंगे हम सभी इंग्लिश में बात करेंगे। ओके हाँ रॉन्ग हो गया तो हो गया, हिंदी में कोई बात नहीं करेगा कल। ओके नहीं सर आज ही से स्टार्ट कर।
अभी से स्टार्ट करो, कोई बात नहीं, देर इज नो प्रॉब्लम। अगर किसी ने रॉन्ग भी बोला तो कोई हंसेगा नहीं। ओके यस 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 सर। ओके चलो फिर। ओके सर। नाउन नाउन नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस आवर फीलिंग्स दैट वी कैन नॉट टच और वी कैन नॉट प्रेजेंट। ओके वी कैन नॉट शो एनीवन। ओके हाउ मच वी फील दिस। फॉर एग्जांपल टेस्ट ऑफ स्ट्रॉबेरी, टेस्ट ऑफ एप्पल, टेस्ट ऑफ मैंगोज, वी कैन नॉट शो वाटरमेलन टेस्ट, टोमेटो टेस्ट, पोटैटो, योर फेवरेट फूड, योर वेजिटेबल्स। यस हाँ, सो दिस टेस्ट वी कैन नॉट शो एनीवन। इट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अंडरस्टैंड? डू यू गेट इट? यस सर। या वेरी गुड। नाउ स्मेल, स्मेल आल्सो, स्मेल ऑफ रोज, स्मेल ऑफ फ्लावर, रोज स्मेल ऑफ मैरीगोल्ड, Lily, marigold, and yes, these things we can tell anyone that how much we like this taste. Yes or no? Yes. Good. Yes. So this is called abstract noun. Here something named called abstract noun. Now do you understand? What is mean by abstract noun? Yes sir. Very good. Yes, sir. Very good. Everyone, do you have any problem? No sir. Anyone don't have problem? Wow, very clever. All are clever students in this class. So clap for yourself. You are clever? Yes sir. So clap sir. For yourself everyone. Everyone clap for yourself. Wow, good, good, good. Clever this class. From today we are daily will interact, daily speaking will English. Will speak in English. Understand, yes. Vaishnavi? Vaishnavi, Shruti? Yes. Start your camera and say something. Are you understand what I am saying? Yes, sir. Yes. Very good. Shruti? Yes, sir. Start your camera and tell me that do you understand what we learned today? Shruti Vavle, are you there? Open the camera. Okay. Now everyone understand abstract noun. So what you have to do today? To find out the things that we cannot touch, smell, hello. Or present, make their list. Hello, sir. हाँ बोलो. Yes. Hello. हाँ बोलो. Yes. Hello. Yes, 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 yes. Say something. I am listening. Hello, Shruti. Shruti Vaishnavi. Yes, hello sir. हाँ बोलो. Yes. Last sir, you call me. Yes. Hello sir. हाँ बोलो. Yes, I'm listening. Hello sir, मैं आदित्य बोल रहा हूँ. हाँ बोलो आदित्य. Sir वो सब लिख लिया है. Very good. आप क्या लिखना? अच्छे हैंड राइटिंग में इसको लिखो, इसके वर्ड्स फाइंड आउट करो। ओके जिसको हम इमोशन, फीलिंग्स, टेस्ट और मेरे नंबर पे उसको भेज दो। अभी नहीं भेजो, इसको भेजो 12 मतलब 4 बजे के बाद भेजो। ओके अच्छे हैंड राइटिंग में लिख कर अभी क्या मत भेजो। ओके यस सर। तो फिर आज हम यहाँ पे रुकते। आज का समझ में आ गया सबको? हेलो हाँ बोलो सर, वो आपसे नहीं मुझसे बात कर रही है। हाँ तो मेरा नाम किधर श्रुति है। हेलो श्रुति, क्लास समर यू कॉल मी? यस।
हाँ वेरी गुड एवरीवन स्पीक इन इंग्लिश गुड गुड नाउ वी विल मीट टुमारो ओके नाउ आवर टाइम इज ओवर ओके बाय यस बाय सर बाय 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 बाय